Srimati Supriya Sule ji. Sir, I stand here to speak on the address of the President of India. I thank him for addressing the nation. Sir, actually, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी बीजेपी से जो सांसद बने नए हैं, बहुत अच्छा भी बोले. पहली बार चुन के आए, बहुत अच्छा बोले. लेकिन मेरे भतीजे की उम्र के है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है. लेकिन दो चार चीज़ें उन्होंने कही, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि यूपीए और यूपीए वन और यूपीए टू के खिलाफ काफ़ी उन्होंने बोला. ठीक है, उनका अधिकार है बोलना, लेकिन मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहती थी कि यूपीए वन और यूपीए टू में उनके पिताजी मंत्री थे, तो सारी जो पॉलिसीज़ कही थी ना, तब वो कांग्रेस में थे. तो सारा उन्होंने टिप्पणी जो की है ना, वो खुद के फादर के खिलाफ ही की है, जो हमारी संस्कृति में नहीं बैठता. जो भी है, मराठी में कहावत है, आप महिला है, आप ज़्यादा समझेंगी ये सब, कि मराठी में कहावत है, खल्ल्या मिठाला जागू नका. मुझे जिसका कभी भी थोड़ा भी नमक खाया ना, जिंदगी पे याद रखना, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया और ये मेरी भारतीय संस्कृति है. कभी भी किसी के साथ में कुछ भी खाया होगा, दो रुपया का निवाला भी खाया होगा, उसको हमेशा याद रखना, ये मेरी संस्कृति है, ये मराठी में मेरी माँ ने मुझे सिखाया. तो 10 साल जिनके साथ आप मंत्री रहे, पूरा सारा दिल्ली आना जाना, गांधी फैमिली के उनके बहुत सारे संबंध थे, शायद भूल गए होंगे, बट ये उसका बैकग्राउंड है. तो जब वो टीका टिप्पणी सारे कर रहे थे, तो काफ़ी बेनिफिशियरी थे. और बाकी जो बेनिफिशियरी है, मैं बोलना नहीं चाहती, मेरा स्टाइल नहीं है वो, अभी वो किसी और दिन प्राइवेट में सबको बता दूंगी, ये पार्लियामेंट की बात नहीं है. तो मेरे ख्याल से एक दूसरे पे जब सांसद बोलते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और इतना भी एमनीजिया नहीं होना चाहिए. मोमेंट में ज़रूर रहो, बट हिस्ट्री नहीं भूले. तो हिस्ट्री में सिर्फ थोड़ा, आई वॉज टर्निंग द क्लॉक टू मेक श्योर द कंपस इज इन ऑर्डर. दूसरी उन्होंने बात कही कि शायद सांसदों को वयोश्री स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं, पढ़ते नहीं है. शायद होगा भी ऐसा, हम लोग पढ़ते नहीं हैं इनके ज़्यादा, इतने तो हम विद्वान नहीं हैं, थोड़ा बड़ा हम भी पढ़ लेते हैं. लेकिन मैं उनको कहना चाहती थी कि वयोश्री की जो स्कीम है, उनका थोड़ा सा डेटा आप खुद चेक कर लीजिए, देख लीजिए इस देश का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जो पिछले 2-3 साल से लगातार 1 या 2 नंबर पे, खुद चेक कर लीजिए. मैंने बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, तो बस वो डेटा आप चेक कर लीजिए कि 1 या 2 नंबर पे कौन सा क्षेत्र आता है, बस इतना ही चेक कर लीजिए. और बाकी इज़ हिस्ट्री, आप सबको एक्सेस होता है, आप सत्ता में, आपको तो वो मिल जाएगा. और उनके मैं और नहीं टाइम देना चाहती, क्योंकि मैं कोई अच्छे, और एक बात उन्होंने कही कि हम थैंक यू नहीं बोलते. इतने एहसान फरामोश भी नहीं हैं आप. मेरा ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, हमारे सब के देख लीजिए, कोई भी हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, हम सिर्फ प्राइवेट में लेकर जाके नहीं बोलते, हम ट्विटर पे डालते हैं, हर मंत्री को थैंक यू बोलते हैं, ये हमारी संस्कृति है, अच्छा को अच्छा बोलते हैं. आप सब का देखिए, सिर्फ मेरा नहीं बोल रही, हमारे सारे सांसद जो अपोजिशन में हैं, सब दिखाते हैं. अगर किसी रेलवे मंत्री को बोले, अगर ट्रेन मिल गया, तो ऑफिशियली ट्विटर पे डालते हैं, दुनिया देखती है, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं थैंक यू बोलते. तो ये थोड़े से इल इन्फॉर्म्ड है, नए हैं शायद, उत्साह है, लेकिन अच्छा बोले, आई कॉम्प्लीमेंट हिम. उनका फ्यूचर भी बहुत लंबा है, तो थोड़ा होमवर्क करके बोले तो. और 50 साल इनके दादाजी भी, बहुत लंबी उनकी पॉलिटिक्स रही है, पिताजी का बहुत अच्छा करियर रहा है. मैं, इच्छा है मेरी कि उनका भी अच्छा रहे और 50 साल वो सांसद रहे, या जो भी उनकी पार्टी उनको जिम्मेदारी दे, वो अभी पता नहीं. नहीं नहीं, जिधर है उधर अच्छा है सबको. मैं आज ये सब मैं बोलना चाहती थी कि शुरू में जो प्रेसिडेंशियल स्पीच हुआ, उसमें जिस तरह डॉक्टर्स या सबके बारे में प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा, वो बहुत अच्छी है. हम सब एक ही उम्र है कि ये 1.5-2 साल में शायद कोई भी स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब साथ में मिलके इस कोविड के खिलाफ हम सब लड़े हैं. तो वैक्सीन हो या जो भी प्रोग्राम्स रहे, उसमें हम सब साथ रहे. और केंद्र सरकार की PDS की सिस्टम हो, उसमें हमें बहुत बार मदद हो चुकी है. और हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऑफिशियली केंद्र सरकार के आभार माने कि PDS में बहुत हमको मदद की. 2-4 चीज़ें जो फील गुड फैक्टर इस देश में अब नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक में हम है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज देश के सामने है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चैलेंजेस द यूथ ऑफ इंडिया टुडे इज़ फेसिंग. यू सी व्हाट हैपेंड इन UP एंड बिहार. इट वॉज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. किसी की भी ट्रेन जली हो, किसी की भी सरकार हो, ये हमारे भारत की ट्रेन है. इट्स रॉन्ग दैट इट हैपन, बट वाई डिड इट हैपन?
I think it's a serious cause of concern, and I urge, because the Honorable President in his speech said 60 lakh jobs we will create. I still remember Honorable Prime Minister's speech, and he in every speech used to say ki 2 crore naukriyan har saal hum generate karenge. To 2 crore ka number 60 lakhs pe kaisa aa gaya, is pe thodi si tippni sarkar agar hum de ki no, that is jo gayi wo alag baat hai. So I think we really need to be worried is this commitment keeps changing of this government, and what is the roadmap to this? So this unemployment challenge is very, and एक साधारण छोटा आपको उदाहरण दूं सर, द इंडियन रेलवेज एडवर्टाइज 35,281 जॉब्स फॉर अ टेक्निकल पोजिशन. इट अट्रैक्टेड 1.25 crore पीपल फॉर द जॉब. तो आउट ऑफ द पीपल हु आर सिलेक्टेड 353 एप्लीकेंट्स वर नॉट गोइंग टू गेट अ जॉब. मतलब एक लड़के को नौकरी अगर या लड़की को मिले तो 353 को नहीं मिल रही है सर. सो इट्स रियली अ बिग प्रॉब्लम. दूसरा मेक इन इंडिया, इट्स अ गुड ऑप्शन स्टार्टअप इंडिया. और आपको और एक अच्छी बात, गुड न्यूज़ सर दे दो कि स्टार्टअप इंडिया इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम. स्टार्टअप इंडिया में आप ही के इस सरकार की इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है सबसे अच्छा काम स्टार्टअप इंडिया में किसी राज्य ने आज किया होगा तो वो महाराष्ट्र ने किया है. ये मैं नहीं कर रही हूँ, स्टार्टअप सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने किया है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है. और इस हिसाब से मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की भी एक फ़नी चीज़ है सर. सर मैं फॉर्चुनेटली मेरे फादर के साथ रहती हूँ, जब दिल्ली आती हूँ और उनके घर से जब पार्लियामेंट आना पड़ता है ना, उद्योग भवन से होते हुए आती हूँ, तो ऐसे देखते देखते हम लोग देखते रहते हैं. तो वहाँ वो शेर होता है ना, वो उनका जो सिंबल है मेक ऑफ मेक इन इंडिया, वो था. तो मैंने देखा, मुझे बोला अच्छा चलो मेक इन इंडिया, आई एम ऑल्सो प्राउड, मैं भी जो भी पहनती हूँ मैं सब मेक इन इंडिया ही हूँ. तो मुझे लगा अच्छा ये लोगों यहाँ रखा हुआ है, अच्छी बात है. एक महीना गया, दो महीना गया, चार महीना गया, छः महीना, मैं रोज़ पार्लियामेंट में जाती हूँ तो उसको कवर करके रखा था. उसके बाद एक दो तीन साल मैंने पूछा कि उद्योग भवन इतना अच्छा भवन है, आप इतना मेक इन इंडिया का स्टोरी बनाते हैं, इसका क्या हो गया, ये एम्बलम को क्यों नहीं खोल रहे ये? तो मैंने पूछा, नहीं 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 कुछ फिनिश हो रहा है. ठीक है, फिनिश हो गया. उसके बाद अभी मैं जब आई तो उसको निकाल दिया वहाँ से. सो 6-7 साल में मेक इन इंडिया का आप लोगो जो आपका सिंबल है वो आप नहीं ठीक पा रहे, तो कैसे मेक इन इंडिया करेंगे और मेक इन इंडिया में क्या करेंगे? इट्स रियली अ शेम, इट्स सच अ बिग प्रोजेक्ट. और बेचारा DRDO, उसको आप अभी इतना बड़ा काम करते, अपने सब साइंटिस्ट है, उसका भी सैनिटाइजर मास्क आप हमको भेजते. दिस इज़ नॉट मेक इन इंडिया सर, वी हैव टू गेट सीरियस. और जो भी वैक्सीन बनाए, वो हमारे भैया UP के कल बोल रहे थे कि सरकार ने वैक्सीन बनाया. सर सरकार ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किया, बनाया नहीं, वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया, 60 साल से बना रहे. आई हैव ओनली वन क्वेश्चन टू मेक सर. ऑल दिस माहौल जो इस देश में हो रहा है, उस देश में भले हेट स्पीचेस हो, सप्रेशन ऑफ सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, CBI, ED, IC, हम लोग तो अभी ICE बोलते हैं. ICE मतलब इनकम टैक्स, CBI, ED, सबका चल रहा है अपोजिशन में, कोई नहीं बचा इसमें. फिर गवर्नर्स जो करते, अभी मैं नहीं बोलना चाहती, जैसे आपने तो देखा पूरा, मैं हाउस का समय नहीं लेना चाहती. इलेक्शन कमीशन, जो रैशनल थिंकिंग है. और आप बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, मैं इतना ही ख़त्म करके एक मिनट में ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इस स्पीच में है. सो आई एम ओनली रिफ्लेक्टिंग व्हाट ही हैज सेड. व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? इट मीन्स द वे ऑफ लाइफ विच रिकग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी एज द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Defeat, sir. Wow. Liberty cannot be divorced from equity. Equality, equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty be, equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce a supremacy of a few over many, जो बहुत सारे भाषणों में आया है. दिस वेरी इंपॉर्टेंट सर. विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस अ सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर मेनी. इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स. विदाउट फ्रटर्निटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस अ सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मेनी. विदाउट फ्रटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी could not become a natural cross of things. Thank you. It would require a constable. That's all. So I urge this government to not live in La La Land, to introvert,
introspect of what the economy is doing, what's happening in the country, and really put their hand on the heart and see if they really believe in Dr. Baba Saheb Ambedkar, is this what their government... Latest updates aur taaja tareen khabron ke liye TV1 India Live ko subscribe kijiye aur notification paane ke liye bell icon ko dabana mat bhuliye.